गुड मॉर्निंग क्लास फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर पार्ट टू सिलेबस इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड कंप्लीटेड आर फर्स्ट पार्ट व्हिच इज़ फुल ऑफ फार्मूला बेस्ड इन दिस पार्ट यू वॉन्ट हैमूलाज बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट वी हैव लॉजिकल क्वेश्चन सो यू शुड हैव टू डू इट केयरफुल ओके लेट बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर डेट इज़ योर प्रोबेबिलिटी आपने प्रोबेबिलिटी किया ही ना पहले ते नाइन टेंथ में तो ओके okay, तो वही चीज़ बस उसका ही थोड़ा सा अपडेट वर्जन है तो हम जो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन करेंगे वो हमारे पीछे का रिविजन होगा फिर हम उसके आगे के थोड़े आगे और यहाँ पे उसकी स्टडी करेंगे तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे वन पॉइंट वन एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे ओके okay, तो आपने प्रायोरिटी किया भी तो है और हाँ मेन थिंग ये 1.6 1.7 ये दो फिलहाल लिए क्रॉस करना जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा उसके बाद हम इसके सम्स के प्रैक्टिस भी करेंगे ओके okay, फ़िलहाल एग्जाम्स में आपके ये सब नहीं आने वाले तो अभी आप इसको फ़िलहाल लिए क्रॉस रखो ओके okay, तो आपने ये प्राबरिटी किया तो है नाइन टेंथ में किया है ना एनियन भी यहाँ पे आपने बॉक्स रेडी किया है वहाँ पे पूरा क्या इंटरसेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वही सब चीज़ें तो हम वो सब रिवाइज़ करेंगे हमारे वन पॉइंट वन में एग्जाम्पल्स भी देख लेना आप एक बार हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वन पॉइंट वन से ओके ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है स्टेट द सैम्पल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें इस क्वेश्चन का सिर्फ स्पेस आउटकम्स बताना है कि इसके आउटकम्स क्या आएंगे तो पहला क्या दिया हुआ है देखो अ बैलेंस्ड कॉइन इज थ्रॉन थ्री टाइम्स ओके सो पहले में क्या दिया हमें यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है कि अब बैलेंस्ड कॉइन एक बैलेंस्ड कॉइन जो है उसको हमने कितने थ्री टाइम यहाँ पे हमने क्या किया उसे उसे थ्रो किया है तो उसके आने के आउटकम्स क्या हो सकते हैं ठीक है खाली हमें क्या सैम्पल स्पेस पूछा है को डिनोट करते हम यू से सैम्पल स्पेस को हम डिनोट करेंगे यू से तो हमें यू पूछा है यू क्या पूछा है हमें कि आपका बैलेंस कॉइन का आपने थ्रो किया तीन बार एक कॉइन को आपने तीन बार उछाला तो क्या क्या आ सकते हैं हो सकता है जब उछाला तो पहला हेड आ गया हो फिर टेल आया हो अगेन टेल आया हो या तो हो सकता है कि पहले हेड आया हो टेल आया हो या वापस हेड आ गया हो एक कॉइन को टॉस करते वक्त क्या क्या आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है हमें वही लिखनी है ठीक है तो अभी आगे देखो हो सकता है कि तीनों बार मेरा हेड ही आ गया हो या तीनों बार टेल ही आ गया हो या हो सकता है कि मेरा पहली बार टेल आया उसके बाद दो बार हेड आ गया आउटकम्स क्या क्या आ सकता है थोड़ा सोचो माइंड से और आपको वही लिखना है कि एक कॉइन को हम तीन बार उछालते तो उससे हमारा आउटकम क्या आ सकता है ओके हो सकता है कि हमारा पहले टेल आया हो फिर हेड आया हो वापस टेल आ गया हो है ना या तो ये भी हो सकता है कि दो बार हेड आ गया होगा और एक बार टेल या तो हमारा दो बार टेल और एक बार हेड आया हो इससे ज़्यादा आने की चांस तो नहीं है यही तीन पॉसिबिलिटी है कि अगर हम एक कॉइन को तीन बार उछालते तो ऐसे या तो एक बार हेड दो बार टेल आया होगा या पहले हेड आया होगा फिर टेल वापस हेड आ गया होगा या तीनों बार हेड आया होगा उछालने पे या तीनों बार टेल आया होगा या एक या तो बार हेड या दो बार एक बार टेल और दो बार हेड आया होगा या पहला टेल आया फिर हेड फिर टेल तो कितने आउटकम्स बनते हैं हमें सारे यहाँ पे आउटकम्स लिखते हैं। लिख देना है ठीक है तो ये हमारा आउटकम से अगर हम एक कॉइन को तीन बार उछालते हैं तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि एक कॉइन को चार बार उछालना है तो आप चार के मुताबिक लिखोगे कि हेड हैड है, टेल टेल या चारों बार हेड आ गया हो जो भी आ सकता है आपको सारे आउटकम सोचने हैं क्लियर है तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है खाली हमें सैम्पल स्पेस लिखना है कि क्या आ सकता है तो इतने हमारे आउटकम से ये आ सकते हैं हो गया नौ सेकेंड में क्या बोला है देखो अ बैलेंस डाइस विथ सिक्स साइड एंड अ बैलेंस कॉइन आर टॉस टूगेदर ध्यान रखो डाइस पता ना जो हम खेलते हैं लूडो वगैरह में वो डाइस और एक कॉइन को साथ में उछाला डाइस नंबर का डाइस यहाँ पे छः नंबर हैं ना उसके अंदर तो वो उसे और हमने यहाँ पे क्या एक कॉइन को साथ में उछाला तो क्या आ सकता है तो उसके आउटकम्स लिखने हैं ना हमें इसमें सबके आउटकम्स लिखने हैं तो हो सकता है कि नंबर वन आया हो और कॉइन में क्या आ सकता है पहले क्या करो आप यहाँ नंबर्स लिख लो नंबर क्या सकता है डाइस में तो आपको वो ईजी पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और आपके कॉइन में क्या आ सकता है आने का चांस उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा यहाँ पे एक ही कॉइन की बात ना अ बैलेंस डाइस मतलब एक डाइस को उछाला है और अ बैलेंस कॉइंस मतलब एक कॉइन को उछाला तो हेड और तो टेल आएगा या नंबर कोई भी छः आएगा अब उसका स्पेस क्या हो सकता है उसका स्पेस क्या होगा हो सकता है कि आपका नंबर में वन आया हो और हेड आया हो या नंबर में टू आया हो या हेड आया हो या थ्री नंबर हो और हेड आया हो या फोर नंबर हो और हेड आया हो या फाइव और, और हेड आया हो या सिक्स और हेड हम यहाँ पे क्या एक साथ उछाल रहे कॉइन को और डाइस को तो आने के चांसेस क्या क्या हो गए हमें वो लिखने हैं ठीक है या हो सकता है कि वन आया और टेल आया हो कॉइन में टू नंबर डाइस में और टेल आया हो थ्री टेल फोर टेल फाइव टेल एंड सिक्स टेल इसके अलावा कुछ और आ सकता है अगर हम डाइस को और कॉइन को यहाँ पे फाइंड करेंगे उछालेंगे तो ये सारे आउटकम्स है जो हमारे फाइंड हो गए क्लियर है आपको तो इस तरह से हमें अपने आउटकम्स फाइन करना है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ठीक है और ध्यान से एक भी चीज़ छूटे ना आपकी वरना एक नंबर से भी सम रॉन्ग हो जाएगा ये चैप खाली बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया है नाइन्थ और टेंथ में ये उसी का बस रिविजन पार्ट कुछ कुछ है तो इसको भी आप ध्यान से करो यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन में क्या था कि एक डाइस को उछाला तो नंबर क्या आएगा या दो डाइस को उछाला नंबर क्या आएगा यहाँ पर एक डाइस है एक कॉइन है थोड़ा तो ट्विस्ट है तो ऐसे ही जो भी है ध्यान से करो ध्यान से प्रैक्टिस करो क्लियर है तो उसके इतने सैंपल्स पेस निकलते जो कि हमने लिख लिया अभी हम थर्ड वन फाइंड करेंगे थर्ड में क्या दिया है देखो टू पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम फाइव परसेंट ए बी सी डी ई मतलब क्या बोला है टू पर्सन टू पर्सन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम फाइव हम हमको कितने यहाँ पे दे कर रखे नाम ए दिया है बी दिया है सी डी ई तो पांच में से आपको क्या करना है यहाँ पे किसी दो पर्सन को सिलेक्ट करना है तो वो पर्सन सिलेक्ट आप कौन से करोगे या तो वो आपका ए बी पर्सन होगा या तो ए सी होगा या तो ए डी होगा या तो ए ई e होगा ये मैं डायरेक्ट लेती हूँ ए बी ए सी ए डी ए फिर बी सी बी ए बी डी बी ई ले लूँगी तो उससे क्या होगा ना हमारा कुछ चीज़ छूटेगा नहीं तो मैंने पहले ए का देखा ए या बी एक कहाँ पे पर्सन सिलेक्ट किया या ए और सी को लिया या ए डी या ए ई अब नेक्स्ट में आ जाऊँगी बी पे तो या तो बी सी को सिलेक्ट किया मैंने या तो बी डी को किया या तो बी ई e को किया सी पे आ जाओ या सी डी करोगे या तो सी ई e करोगे डी पे आ जाओ यहाँ पे क्या डी ई को करोगे ध्यान रखना उल्टा मत लेना दो पर्सन सिलेक्ट करने बोला है ना तो हम दो पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो अगर हम उल्टा करेंगे ए बी ए सी ए डी ए ई उतना तो हो गया तो बी ए जब करोगे तो ए बी और बी ए सेम ही हो गया ना हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना कि इस जगह पे ए ही होना चाहिए या एक पर होना चाहिए नहीं तो हमको मतलब देख ध्यान देना कि आपके वो नंबर उल्टे ना हो जाए ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला है दो पर्सन सिलेक्ट करना है तो कोई भी दो पर्सन यहाँ पर हो क्लियर है आपको तो इस तरह के से आपको एक पैर रेडी करना है ये हो गया आपका आउटकम क्लियर है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू हम लिखेंगे क्या दिया है देख लो राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ हंड्रेड मार्क्स एंड स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इट क्वेश्चन पे ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है देखो हमें क्या लिखना है यहाँ पे स्टैंपल स्पेस लिखना है क्या बोला गया है कि एग्जाम्स लिए है कितने मार्क्स की एग्जाम्स है हंड्रेड मार्क्स की हंड्रेड मार्क्स में से बच्चों को पॉइंट कितने मिले उसका आपको यहाँ पे आउटकम लिखना है अब हर में तो रैंकर तो होते नहीं है याद रखो हंड्रेड मार्क्स का एग्ज़ाम्स है तो आपके आउटकम्स कितने हो गए होता है हो सकता है किसी बच्चे को ज़ीरो मार्क्स आया हो हंड्रेड में से या वन आया हो या टू आया हो या थ्री आएगा कहाँ तक होगा ये पूरा हंड्रेड तक किसी को आ सकता है हंड्रेड मार्क्स आ सकते हैं तो ये पूरे आउटकम्स कितने हुए आपके हंड्रेड हुए नहीं अगर आप काउंट करते हो वन से हंड्रेड तो हंड्रेड बट यहाँ पे किसी को जीरो भी तो मिल सकता है ना मार्क्स हंड्रेड में से तो हमारा टोटल आउटकम कितने हो इसके अंदर वन जीरो वन हमारे यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने निकलते हैं वन जीरो वन क्वेश्चन में क्या बोला है स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट तो सैंपल पॉइंट कितना है इसके अंदर ये सौ और जीरो को भी काउंट करो तो वन जीरो वन हमारा सैंपल पॉइंट है समझ में आया क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन को समझो बहुत इजी, बहुत ही बेसिक है बस आपको अपना बस यहाँ माइंड यूज करना है ओके नौ थर्ड राइट द सैंपल स्पेस फॉर रैंडमली सिलेक्टिंग वन मिनिस्टर एंड वन डेप्यूटी मिनिस्टर फ्रॉम फोर पर्सन ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है आपको सैंपल स्पेस रेडी करना है किसका आपको तो यू रेडी करना है चलो बोला लोग में अब क्या बोला है जिसमें आपको एक जो है ना मिनिस्टर होना चाहिए और एक जो होना चाहिए वो क्या डेप्यूटी मिनिस्टर होना चाहिए फ्रॉम कितने में से चार पर्सन में से हमें यहाँ पे एक को बनाना है मिनिस्टर और एक को बनाना है डेप्यूटी मिनिस्टर क्वेश्चन ध्यान से समझना हम चलो यहाँ फोर पर्सन को एज्यूम करते हैं ए बी सी एंड डी ये चार पर्सन है ठीक है एक दो तीन चार ये चार पर्सन है अब इसमें से हमें को एक को बनाना है मिनिस्टर और एक को बनाना है डिप्यूटी मिनिस्टर तो उसे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे देखो ओके तो हो सकता है ये पहला मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर तो ए बी ए मिनिस्टर और सी डेप्यूटी मिनिस्टर ए मिनिस्टर और डी डेप्यूटी मिनिस्टर बी मिनिस्टर एंड सी डेप्यूटी मिनिस्टर देन बी मिनिस्टर एंड डी डेप्यूटी मिनिस्टर ना सी मिनिस्टर एंड डी डेप्यूटी मिनिस्टर अब ध्यान रखना चार पर्सन में से आपको एक मिनिस्टर और एक डेप्यूटी मिनिस्टर यहाँ पे बनाना है अब हो सकता है कि मैंने जो यहाँ पे मिनिस्टर और डेप्यूटी को मर्ज कर दूँ या बी को मैं बना दूँ मिनिस्टर और एक को कर दूँ डेप्यूटी मिनिस्टर हो सकता है ना यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको इसी वाले को बनाना है ए को बनाना है मिनिस्टर और बाकी को किसी को बनाना डेप्यूटी मिनिस्टर बोला है ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो उस वक्त यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे मतलब सबका उल्टा हो जाएगा ये मिनिस्टर और ये डेप्यूटी मिनिस्टर सी मिनिस्टर और ये डेप्यूटी मिनिस्टर डी मिनिस्टर है और ए डेप्यूटी मिनिस्टर सी मिनिस्टर बी डेप्यूटी मिनिस्टर डी एंड बी डी एंड सी आया समझ में पिछले वाले में हमें सिर्फ दो पर्सन सिलेक्ट करना था तो हमने उसको रीअरेंज नहीं किया हमने उसको इंटरचेंज नहीं किया ए बी का बी ए नहीं किया ए बी तो, तो, तो सेम पर्सन है बट यहाँ पे दो अलग अलग पोस्ट है हमें दो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे बंदे सिलेक्ट करने हैं क्लियर है आपको कैसे यहाँ फाइंड किया है एक मिनिस्टर अगर आपको कन्फ्यूजन तो मिनिस्टर डिप्यूटी मिनिस्टर से लिखो तो आपको क्या याद रहेगा कि ये हाँ ये मिनिस्टर ये डेप्यूटी ये मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर डेप्यूटी उसके बाद इंटरचेंज ये डेप्यूटी और ये मिनिस्टर हो गया डेप्यूटी मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर ठीक है तो ये आपका हो जाएगा डीएम डीएम हो गया ये सारे आउटकम से जो यहाँ पे चार पर्सन में से दो को हम सिलेक्ट करेंगे दो पोस्ट के लिए तो क्लियर है आपको वापस से प्रैक्टिस अच्छे से करना ओके नाउ नेक्स्ट अ बैलेंस कॉइन इज थ्रॉन इन रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हैड इज ऑप्टेन द एक्सपेरिमेंट इज टर्मिनेटेड विद अ ट्रायल ऑफ फर्स्ट हैड राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड स्टेट वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट क्वेश्चन समझो एक कॉइन को उछाला कब तक उछाला जब तक कि आपका हेड ना आ जाए कॉइन में क्या आता है एक जगह हेड और एक टेल तो आप तब तक उसको उछालोगे तब जब तक आपका हेड नहीं आ जाएगा जैसे ही आपका हेड आ गया वैसे ही आपने वो बंद कर दिया ठीक है तो आपको उसने बताना है कि सैंपल स्पेस कितना बनेगा और ये बताना है कि वो फाइनाइट काउंटेबल है और इनफाइनाइट है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते तो सबसे पहले ध्यान दो हमारा फोर्थ क्वेश्चन सैम्पल स्पेस क्या होगा आप अगर एक कॉइन को उछालते हो सकता है कि आपका पहले बार में हेड आ गया हो हो सकता है ना या तो हो सकता है कि आपका दूसरे बार में हेड आया होगा या तो तीसरे बार में आपका हेड आया होगा और हम हेड के बाद स्टॉप क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन ने बोला है ना हमें जैसे ही हेड आ गया आपको वो गेम स्टॉप कर देना है हो सकता है कि तीसरे बार में आया हो या हमने चार बार टेल आया फिर जाके आया हो या तो पांच बार टेल आया फिर जाके हेड आया हो तो ये सो ऑन होता जाएगा तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा फाइनाइट में होगा या इनफाइनाइट में होगा तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इट एन इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस आया समझ में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको हेड यहाँ पे आना चाहिए जैसे ही आपका हेड आ जाए वैसे ही आप वो गेम स्टॉप कर दोगे तो हो सकता है पहले बार में आपका हेड आ गया हो या हो सकता है दूसरे बार में आपका हेड आया हो या हो सकता है तीसरे बार में हेड आया हो या चौथे बार में या पांचवे बार में या छठे बार में तो उसके आने के चांसेस क्या है आपको वो सब लिखने तो वो तो हो सकता है ना कि आपका टेल ही टेल आ रहा हो हेड आ ही नहीं रहा हो उसके अंदर तो बहुत चांसेस उसके हैं तो वो हमारा किस फॉर्म में आएगा इन्फिनाइट फॉर्म में आएगा क्लियर है आपको ओके नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे एंड हाँ सेंटेंस लिखना मैं आप डायरेक्टली आप फाइव सम्स बता रही हूँ बट आपको सारे सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखना है ठीक है नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखो राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग थ्री नंबर फ्रॉम द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर ओके तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर में से कोई भी तीन नंबर सिलेक्ट करने हैं तो हम पहले नेचुरल नंबर क्या स्टार्ट कहाँ से होता है नेचुरल नंबर वन से होता है ना वन टू थ्री फोर फाइव अब हमें क्या बोला इसमें से कोई भी तीन नंबर सिलेक्ट करना है तीन नंबर सिलेक्ट करना है तो हो सकता है कि मैं वन टू थ्री सिलेक्ट कर लूँ या तो वन थ्री फोर सिलेक्ट कर ले हम या तो वन फोर फाइव सिलेक्ट करें या तो वन थ्री फाइव सिलेक्ट करें या तो वन थ्री सॉरी वन फोर फाइव सिलेक्ट करें सॉरी हो चुका है वन फोर फाइव ना तो हम रिपीट नहीं करना है देखो हमने ए नंबर सिलेक्ट किया फिर हम वन थ्री फोर सिलेक्ट किए देन वन फोर फाइव सिलेक्ट किए हमने यहाँ पे वन टू और फाइव नंबर सिलेक्ट किया हो या हो सकता है हमने यहाँ पे टू थ्री फोर सिलेक्ट किया हो नंबर या तो हमने टू फोर फाइव सिलेक्ट किया हो या तो हमने थ्री फोर फाइव सिलेक्ट किया हो ठीक है तो ये सारे आउटकम से जो फाइंड हो गए कुछ मिस हो रहा है इसमें से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट आई नंबर्स एक बार चेक कर लो कुछ मिस हो रहा है वन टू थ्री हो गया हमारा वन टू थ्री तो वन टू फोर हुआ आपका नहीं वो बाकी रह गया और को वन टू फोर हो गया देन वन टू फाइव वो हो चुका है वन टू फाइव बाकी है वो भी तो वन टू फाइव ओके दैन हम यहाँ पे अभी आ जाएंगे टू को स्किप कर दो वन थ्री फोर हुआ हमारा वन थ्री फोर हो गया है देन वन थ्री फाइव हुआ हमारा वो भी हो गया है देन आएगा एक का हो गया पूरा आप टू पे आ जाओ तो टू थ्री फोर हो चुका है टू फोर फाइव वो भी हो गया है देन अब इसको स्किप कर दो फिर थ्री फोर फाइव ऑलमोस्ट डन मतलब हमारे सारे आउटकम्स फाइंड हो गए ठीक है आपको इस वे से आपके यहां पर क्या यू सैंपलिंग फाइंड करना है क्लियर है नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया है देखो द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम सैंपल दे कुछ में ले रखा है देखो वन से लेके कर ट्वेंटी तक राइट द सेट शोइंग द फॉलोइंग इवेंट हमें यहाँ पे इवेंट जो पूछा है वो फाइन करना है ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें पी ऑफ ए जो फर्स्ट हमें इवेंट क्या दिया हुआ है देखो द सिलेक्टेड नंबर जो नंबर आप सिलेक्ट करो वो आपका क्या होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए आपको क्वेश्चन में यू दे के रखा है कितना है वो वन से लेके कर कहाँ तक है वो ट्वेंटी तक है तो वन टू थ्री एंड सो ऑन ट्वेंटी तक आपका यू दे के रखा है अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है क्या ऑड नंबर तो सिलेक्ट कर सकते हैं तो ऑड नंबर कौन से हो गए हमारे इसमें ऑड नंबर हमारे कौन से हो गए एक आएगा वन ऑड नंबर है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन यह हमारे ऑर्ड नंबर है हमें वन ट्वेंटी के अंदर में जितने ऑर्ड नंबर हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं क्लियर है तो इसका भी सेकंड हमें क्या पूछा है वो देख लेंगे सेकंड हमें पूछा है क्या नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय थ्री जो भी आप नंबर सिलेक्ट कर रहे हो वो थ्री में जाना चाहिए इन शॉर्ट थ्री का टेबल जो भी इसके अंदर आए तो कौन सा होगा थ्री आएगा सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन एटीन पे स्टॉप कर देगी कॉस उसके आगे ट्वेंटी वन आएगा ट्वेंटी के ऊपर हो जाएगा तो वो नंबर नहीं लेगी एटीन पे हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्लियर है नाउ पी ऑफ सी पी ऑफ सी में क्या बोला है देखो द सिलेक्टेड नंबर इट डिविजिबल बाय टू और थ्री जो भी आप सिलेक्ट करो वो टू और थ्री से डिवाइड होना चाहिए तो हमें मतलब टू का टेबल और थ्री का टेबल दोनों का टेबल यहाँ पे देखना है जो वन ट्वेंटी के अंदर आए तो क्या हो सकता है वो तो टू के टेबल में टू आए वन तो आएगा नहीं टू आएगा थ्री आएगा फोर टू टू सा फोर है फाइव आएगा नहीं कॉज वो थ्री में डिवाइड नहीं हो रहा ना टू में जा रहा है सिक्स आएगा थ्री में जाएगा सिक्स आएगा सेवन नहीं एट टू में जाएगा नाइन थ्री में जाएगा टेन टू में जाएगा इलेवन नहीं आएगा ट्वेल्व थ्री में जाएगा और टू में भी जाएगा ट्वेल्व थर्टीन नहीं आएगा फोर्टीन टू में जाएगा फिफ्टीन जाएगा थ्री के टेबल में सिक्सटीन वो टू में जाएगा सेवेंटीन किसी में नहीं जाएगा एटीन टू में भी जाएगा और थ्री में भी जाएगा नाइनटीन किसी में भी नहीं ट्वेंटी टू में जाएगा मतलब क्या हमने क्या लिखा कि दोनों टेबल में जो जाना चाहिए नंबर वो हमें वन ट्वेंटी के बीच में जो दोनों नंबर मतलब टेबल में जाए वो हमें लिखना है तो टू का टेबल और इन शॉर्ट थ्री का टेबल अगर आप चाहो तो टू का टेबल टू फोर सिक्स एट वो लिख लो पूरा और थ्री का लिख लो ठीक है वही हुई बात बस कॉमन ना हो ध्यान रखना उसका ठीक है आपको इस फॉर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे

इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ एक फैमिली सिलेक्ट किया है जिसमें दो बच्चे एक बॉय है और एक गर्ल है तो पहले इसके आउटकम्स क्या हो गए हम पहले लिख लेंगे फिर इवेंट हमें दो अलग अलग पूछा है एक में क्या पूछा है कि वन चाइल्ड इज़ अ फीमेल और दूसरे में क्या बोला है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज अ फीमेल तो पहले हम आउटकम्स क्या होंगे वो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोला है यहाँ पे कितने हैं मेंबर्स एक फैमिली में दो बच्चे एक बॉय और एक गर्ल तो यहाँ पे होने के यहाँ पे चांसेस क्या है यहाँ पे क्या बोला है दो बच्चे तो बॉय है गर्ल है डिफाइन नहीं किया है खाली इतना बोला है कि उनके दो ही बच्चे हैं कुछ भी हो सकते हैं या तो मेल या तो फीमेल तो क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर आउटकम लिख लेंगे पहले हो सकता है कि दोनों बॉयज ही हो या दोनों गर्ल हो या हो सकता है कि एक गर्ल हो एक बॉय हो या तो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे बॉय हो छोटी गर्ल हो इसके अलावा कोई ऑप्शन है आने का दो बच्चों में नहीं यही चार है तो हमने आउटकम लिख लिए अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो फाइंड कर लेंगे क्या बोला है वन चाइल्ड इज अ फीमेल वन चाइल्ड जो आपकी होगी वो यहाँ पे क्या होगा इज फीमेल लड़की होनी चाहिए तो इसमें से गर्ल्स कितने में हैं एक चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए दोनों गर्ल होगी चलेगा क्या बोला है कम से कम हमें एक तो गर्ल चाहिए एक गर्ल हमें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे दोनों गर्ल्स तो नहीं लेंगे ना हम क्यों क्योंकि एक ही चाइल्ड बोला है फीमेल तो हम ये जी भी और बीजी ले लेंगे ले मतलब या तो गर्ल बॉय होगे वो या तो बॉय गर्ल होगे क्लियर है क्वेश्चन में यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है वन चाइल्ड इज फीमेल एक चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए तो हम एक को गर्ल ही रखेंगे बाकी दूसरा बॉय हो सकता है ठीक है नौ सेकेंड हमें क्या पूछा है देखो एट लीस्ट वन चाइल्ड इज अ फीमेल एट लीस्ट कम से कम एक चाइल्ड तो क्या होना चाहिए फीमेल होनी चाहिए मतलब एक कम से कम गर्ल होनी चाहिए तो गर्ल्स के आउटकम एटलीस्ट का मतलब क्या होता है ना कम से कम ज़्यादा हुए चलेगा पर एक से कम नहीं होना चाहिए एटलीस्ट मतलब क्या कम से कम एक से यहाँ पे कम से कम एक गर्ल फीमेल होनी चाहिए यहाँ पे फीमेल होनी चाहिए एक ठीक है ज़्यादा होगी चलेगा नो इश्यू बट एक से कम नहीं होना चाहिए तो हमारे आउटकम्स कौन से कौन से आएंगे या तो एक गर्ल होगी एक बॉय हो गए या एक बॉय गर्ल और मैं यहाँ पे दोनों गर्ल भी लिख सकती हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है कम से कम एक चाइल्ड तो फीमेल होनी चाहिए दो होगी चलेगा तीन होगी तो भी चलेगा बट हमारे यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे दोनों गर्ल्स होगी तो भी चलेगा कॉज क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया है ना क्लियर है आपको तो आपके यहाँ पे तीन आउटकम्स आएंगे क्लियर है तो यहाँ तक के सम्स आप प्रैक्टिस करो आगे के सम्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो आप ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे